Hey everyone, welcome to Shams IAS. I am Shivangi Sharma, and here I am with our last chapter of history. So, yes, this is the last chapter in which we are going to discuss about print culture and the modern world. So, कैसे चीज़ें प्रिंट होती है वो सारा हम पढ़ने वाले हैं. सो अगर आप ये देख के थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूँ कि हमारी बुक जो थी ये तीन सेक्शंस पे डिवाइडेड थी, और जो दो सेक्शन है वो हमने कवर कर लिए और हम लास्ट सेक्शन में पहुँचे. सो सेक्शन थ्री में ए की वीडियो है, ठीक है, सॉरी ए की के चैप्टर. सो पढ़ लेते हैं. चैप्टर इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसमें प्रिंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो देखो, पुराने समय में जब प्रिंटिंग प्रेस या फिर प्रिंटर्स नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे भी तो लोग चीज़ें पढ़ा करते थे, बुक्स हुआ करती थी, कैसी कैसी चीज़ें होते थे, लोगों को न्यूज़ कैसे पता चलती थी, दिन वगैरह कैलेंडर वगैरह उस टाइम भी तो होते थे, बट कैसे होते थे ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बिकॉज पुराने टाइम पर कैसे बुक्स बना जाती थी, ठीक है, कैसे प्रिंट की जाती थी चीज़ें. सो इस चैप्टर में हम जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, पहले एशिया, फिर यूरोप, फिर इंडिया. सो वैसे हम इस पे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है. पहले हम द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सो देखो, जो सबसे पुरानी प्रिंट टेक्नोलॉजीज थी, मतलब पुराने टाइम पर जहाँ पर सबसे पहले के टाइम पर जब ये प्रिंटिंग की गई, तो सबसे पहले वो चाइना, जापान और कोरिया जैसी कंट्री में जो है ये प्रिंटिंग की गई थी, ठीक है. सो उस टाइम पे चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग की गई थी. हैंड प्रिंटिंग की जाती थी, हाथों से प्रिंट किया जाता था. कैसे किया जाता था उस टाइम पे? रबिंग, पेपर को रब किया जाता था. मतलब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ. जैसे सपोज, जैसे स्टैम्प होती है ना, आपने स्टैम्प को देखा होगा. जब आप स्टैम्प को मतलब ऐसे ऊपर से देखो, जो भी अगर आपके स्कूल की स्टैम्प होगी या किसी भी चीज़ की स्टैम्प होती है जिसमें भी, सो उसमें ऊपर ना थोड़ा सा ऐसा वो होता है, मतलब हाईलाइटेड होता है ऊपर की तरफ को वो होता है, ठीक है, जिसमें इंक लगाते हैं और उसको लगाते हैं तो उसका छाप छूट जाता है, राइट. सो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर ये है स्टैम्प, सो इधर जो भी है सपोज ए बी सी, तो ये ए बी सी डी जो भी है इस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है, राइट. थोड़ा सा जो है उसमें ऊपर की तरफ को उभरा हुआ होता है, राइट. सो वैसे ही जब प्रिंटिंग की जाती थी चाइना में, तो क्या किया जाता था कि वुडन ब्लॉक्स हुआ करते थे, उसमें भी जो है वर्ड्स उसी तरीके से लिखा जाता था जैसे एक लेटर है, वो उस ब्लॉक में जो है उभरा हुआ होता था, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ को होता था. तो क्या करते थे, उन लेटर्स को मतलब एक सीरीज में लगा दिया करते थे, जिस सीरीज में भी क्या लिखना है, ठीक है, उसमें सबसे पहले इंक लगाया करते थे और उनके ऊपर पेपर रख दिया करते थे, ठीक है. जैसे हम स्टाम्प लगाते हैं ना पेपर के ऊपर, वैसे बट यहाँ पे था ऐसे एग्जांपल ले लो कि आपने बहुत सारी स्टाम्प लगाई है और उस स्टाम्प के ऊपर लेटर्स लिखे हैं, ठीक है. सो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आपके पास स्टाम्प है, सो एक स्टाम्प में ए, एक में बी, एक में सी, एक में डी है, ठीक है. सो आपने इस तरीके से जो है चारों के चारों स्टाम्प्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है, ठीक है, ए बी सी और डी. सो जब आप और इन चारों में इंक लगाया, ठीक है. सो जब आप पेपर इसके ऊपर रखोगे और उसको थोड़ा सा प्रेस करोगे और उठाओगे उस पेपर को फिर से, तो एक साइड में वो पूरा ए बी सी और डी प्रिंट हो गया होगा, राइट. सो वही था, यही जो प्रोसेस है वो चाइना में यूज़ किया जाता था. बस वो वुडन ब्लॉक में किया जाता था, वुडन ब्लॉक थोड़े से उभरे हुए होते थे, ठीक है, और उसमें सब कुछ लिखा होता था और उसको ऐसे रख देते थे ऑर्गेनाइज मैनर में कि क्या हमें लिखवाना है, और उसके अकॉर्डिंग पेपर रखते थे, उसको थोड़ा सा रब करते थे, थोड़ा सा टैप करते थे और इसको उठा देते थे, सब कुछ उसमें प्रिंट हो गया होता था, ठीक है. सो उन बुक्स को मतलब अकॉर्डियन बुक बोला जाता था, ठीक है. ये फोल्ड हुआ करती थी और साइड से जो स्टिच इनको किया जाता था, ठीक है. सो इनमें बहुत ही प्यारी कैलीग्राफी, मतलब बहुत ही ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी इनमें देखने को मिलता है. सो कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश मैनर, ठीक है. सो चाइना में मतलब बहुत ही ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जिसकी वजह से मतलब ये कैसे फैली कि हमें प्रिंटेड जो मटेरियल है वो उसका मतलब इतना ज़्यादा डिमांड कैसे हुआ. सो जैसे इंडिया में अगर आपको कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना है तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वैसे चाइना में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है वो देने के लिए लोगों को बुक्स की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है. और तो उस टाइम पर लोगों ने बोला कि जब हमारे पास बुक है तो हम उन बुक से पढ़ेंगे. सो ज़्यादा जो है उस टाइम पे प्रिंट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा था, ठीक है.
17 सेंचुरी में अर्बन कल्चर आ गया था चाइना में, और प्रिंट का यूज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होने लगा। जो मर्चेंट्स थे वो भी डेली यूज़ में अपने ट्रेड की इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है वो प्रिंटिंग का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। जो लोग मतलब नरेटिव्स पोएट्री थे, ऑटोबायोग्राफी, लोगों ने ये सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जो रिच वुमेंस थी वो पढ़ना लिखना, पोइट्रीज प्ले करना, ये सब कुछ उन्होंने खुद पढ़ना भी और लिखना दोनों ने उन्होंने सीखा था, ठीक है। जो भी स्कॉलर ऑफिशियल्स थे उनकी वाइफ अपना वर्क भी पब्लिश करती थी, और जो कोटेशंस होते थे, कोटेशंस यानी कि जो वैश्याज होती है, मतलब जो कोठे पे जो औरतें होती हैं वो भी लिखती थी अपनी लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ कितनी ख़राब है, ये सारी जो है वो मतलब अपनी लाइफ के बारे में लिखते थे, ठीक है। सो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक जो मैकेनिकल प्रेस थी वो लेट 19 सेंचुरी में इम्पोर्ट की गई थी वेस्टर्न पावर्स में, ठीक है, वो भी चाइना के बाहर से। उससे पहले जो है मतलब ऐसे इसी तरीके से हैंड प्रिंटिंग की जाती थी, ठीक है। बाद में जो है हैंड प्रिंटिंग जो मैकेनिकल प्रिंटिंग से एक्सचेंज हो गई थी। जापान में कैसे प्रिंट किया जाता था, सो जापान में जो फर्स्ट हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो आई थी अराउंड 768 और 770 के बीच में, जो कि चाइना से ही आई थी। और जो सबसे पुरानी यानी कि जो सबसे पहली जापानीज बुक थी वो थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ठीक है। सो इसको भी इसी तरीके से जो है वुड के उससे लिखा जा उससे बनाया जाता था लिखा जाता था, ठीक है। जापान में लेट 18th सेंचुरी के बाद एक नया तरीका आया विच वॉज प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल। जो वहाँ की कैपिटल थी यानी कि ईडो, सो उस टाइम वो ईडो होती थी, आज तो हम उसको टोक्यो के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे पेंटिंग्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया गया, ठीक है, जहाँ पे उनकी मतलब जो भी अर्बन कल्चर है, कॉटेशंस है, टी हाउस है, उन सबको दिखाया जाने लग गया उस टाइम, ठीक है। प्रिंट करना शुरू कर दिया गया उनको। जो भी लाइब्रेरीज थी और जो बुक स्टोर्स थी वो उसमें भी हैंड प्रिंटेड मटेरियल होते थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। मतलब ज़्यादातर जो बुक्स है वो वुमेंस के ऊपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, फिर प्रॉपर एटिक्वेट, कुकिंग और फेमस प्लेसेस के ऊपर लिखी जाती थी। यही थी जो उस टाइम पे जिन चीज़ों के ऊपर बुक्स लिखी जाती थी, ठीक है। अब ये प्रिंट कैसे पहुँचे यूरोप में। सेंचुरीज में जो सिल्क है ना और जो स्पाइसेस है वो सिल्क रूट के थ्रू होता था, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। वैसे सिल्क रूट के थ्रू चीज़ें और सारी चीज़ें भी आई। वैसे ही जो पेपर था चाइनीज़ पेपर वो भी इसी रूट के थ्रू एक्सचेंज होना शुरू हो गया था, ठीक है। पेपर मतलब पेपर का उस टाइम में मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, जिनमें बहुत ही केयरफुली लिखा जाता था, ठीक है। स्क्राइब्स लिखा करते थे। स्क्राइब्स कौन होते हैं, हम 6th या 7th क्लास की हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट को फिर से कॉपी करके फिर से लिखते हैं। जैसे आप अपने जब आप लेट हो जाते हो या आपने कॉपी नहीं कंप्लीट करी होती तो आप अपने फ्रेंड की कॉपी से कॉपी करके लिखते हो, राइट, उसी तरीके से, ठीक है। सो फिर 2095 में मार्को पोलो जो कि काफ़ी बड़े एक्सप्लोरर थे, वो जब इटली वापस आए चाइना को एक्सप्लोर करने के बाद, तब जैसे हमने चाइना की टेक्नोलॉजी पढ़ी थी वैसे मार्को पोलो ने भी वो पूरा नॉलेज वो अपने साथ लेकर आए। और जो इटालियंस थे उन्होंने भी ये वुड ब्लॉक्स के यूज़ से बुक्स बनानी शुरू करी, और ये जो टेक्नोलॉजी थी ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गई, ठीक है। धीरे धीरे जो मर्चेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो भी चीपर प्राइस में उनको प्रिंटेड कॉपीज मिलने लग गई थी, ठीक है। सो जो डिमांड है बुक की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो अभी भी काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि मैन्युस्क्रिप्ट को ज़्यादा प्रेफर करते थे, पर देखो जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे ना वो हैंड रिटन होते थे और वो काफ़ी मतलब इतना डिमांड उनकी नहीं थी, ठीक है। पर और वो ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, उसका रीज़न ये है, और मैन्युस्क्रिप्ट काफ़ी फ्रेजाइल थे, उनको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। और वो काफ़ी मतलब लिमिटेड टाइम तक उनका वो रहता था, उसके बाद उनको ना फिर से कॉपी करना पड़ता था, वरना वो ख़राब हो जाया करते थे, ठीक है। सो 15th सेंचुरी में जो वुड ब्लॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाने लग गए यूरोप में, तक टेक्सटाइल्स में भी उन्हीं की मदद से प्रिंट किया जाता था। आपने देखा होगा आई गेस आई डोंट नो आपने देखा होगा जगह जगह पे ना आजकल जैसे एक मेहंदी लगाने वाले भी आते हैं जिसमें भी ऐसा
डिज़ाइन बना हुआ होता है ऑलरेडी, वो बस उसको ऐसे स्टाम्प की तरह यूज़ करके ऐसे लगा देते हो, उसी तरीके से ये सब कुछ होता था, ठीक है। टेक्सटाइल्स में भी आई थिंक अगर आपने कहीं देखा होगा या आपने कहीं पिक्चर भी देखी होगी कि टेक्सटाइल में कैसे उन वुडन ब्लॉक्स जिसमें डिज़ाइन उभरा हुआ होता था उसको बस ऐसे कलर में लगा के, ऐसे लगा के कपड़ों में भी पेंट किया जाता था, जो प्लेइंग कार्ड्स थे उनमें भी इसी तरीके से। रिलीजियस पिक्चर्स ये सब कुछ इन्हीं तरीके से जो उस टाइम हुआ करते थे, ठीक है। सो वुड ब्लॉक्स वॉज द ओनली सोर्स, मतलब वही ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा था उस टाइम पर, ठीक है। जो पुराने टेक्स्ट हैं उनको फिर से क्विकर और चीपर तरीके से जो है उनको रिप्रोड्यूस करना एक नीड थी, बिकॉज लोगों को वो चाहिए था, ठीक है। फिर स्ट्रासबर्ग जर्मनी में जब वहाँ पर आए जोहन गुटनबर्ग, जिन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी 1430s के टाइम पे, देखते हैं उन्होंने कैसे करा। जो गुटनबर्ग थे वो एक मर्चेंट के बेटे थे, जो कि मतलब एग्रीकल्चरल एस्टेट में उनका जन्म हुआ और वो वहीं पर बड़े हुए हैं। बट उन्होंने अपने बचपन में वाइन और ऑलिव प्रेसेस का को यूज़ करते हुए देखा, वाइन प्रेसेस जहाँ से वाइन निकाली जाती थी और ऑलिव प्रेसेस जहाँ से ऑलिव ऑयल निकाला जाता था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्टोन्स को पॉलिश करने की आर्ट सीखी और वो गोल्डस्मिथ बन गए, यानी कि सुनार बन गए, ठीक है। और उसके बाद ना उन्होंने मोल्ड्स बनाने सीखे कि मोल्ड कैसे बनाते हैं। अब इधर मैं आपको बताती कि मोल्ड्स क्या होते हैं। देखो आपने देखा होगा कि एक एक ट्रे टाइप होता है, देखिए, ठीक है। उसमें ना अंदर की तरफ को जैसे कटोरी होती है ना, वैसे अंदर की तरफ को वो मतलब कनकेव होता है, केव जैसा उसमें बना होता है, और नीचे उसमें मतलब उस केव में जो डिज़ाइन बना होता है, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर आपने क्ले वगैरह भी कभी यूज़ करी होगी तो एक मोल्ड्स होते हैं, मतलब जैसे आप उसको किस भी मोल्ड में डालो तो आप जब उसको बाहर निकालोगे तो वो उसी मोल्ड की शेप में उसका डिज़ाइन निकल करके आ जाता था बाहर, राइट। उस टाइम पे जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने वैसे ही मोल्ड बनाना शुरू करे कि जैसे ये मोल्ड है, इधर इसमें कोई भी डिज़ाइन है, सपोज़ ये मोल्ड इस ऐसे ऐसे शेप का है, तो इधर आप जो भी चीज़ डालोगे वो इसी शेप में बन करके आ जाएगा, राइट। उसी तरीके से जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने इन्हीं में मतलब अल्फ़ाबेट्स बनाने शुरू करे और उनको ना मेटल्स का वो स्टाम्प बना दिया, और वैसे उन्होंने फिर मतलब अलग तरीके से मतलब मशीन की हेल्प से उन्होंने जो है ये बना दिया उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है जो पहली बुक उन्होंने सबसे पहले प्रिंट करी डैट वॉज बाइबल। ये इतना फास्ट भी नहीं था, मतलब 180 कॉपीज बनाने के लिए उनको लगभग 3 साल लग गए थे, जो कि उस टाइम के लिए फास्ट था, बट अगर हम आज के कंपेरिजन में देखें तो बहुत ही ज़्यादा लोग है, ठीक है। 1450 से 1550 के बीच में काफ़ी प्रिंटिंग प्रेस जो थे वो यूरोपियन कंट्रीज के मैक्सिमम ऑफ द जगह पर आ चुके थे, राइट। लोग जो है प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया था। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, देखो जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं था बट लोगों की ज़िंदगी में भी चेंजेस आए। कैसे? बिकॉज लोगों ने जब बुक्स पढ़ना शुरू करी तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली और उन्हें नॉलेज मिला डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों और अथॉरिटीज़ के बारे में, जिसकी वजह से लोगों के जो परसेप्शंस थे वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग जब क्या क्या सोचते थे उनमें चेंजेस आए, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या रीडिंग रेवोल्यूशन में, सबसे पहले रीडिंग पब्लिक आई, बहुत नए सारे नए लोग आए, बिकॉज प्रिंटिंग जब हुई तो बुक्स का कॉस्ट कम हो गया, ठीक है। उससे पहले जो प्रिंट किया जाता था हाथ से वो इतने मतलब एक्सपेंसिव होते थे कि अमीर लोग ही उनको मतलब पढ़ पाते थे, ठीक है। बट जब इनका रेट कम हो गया तो जो नॉर्मल पीपल है उन्होंने भी इनको पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। लोगों ने रीडिंग शुरू की, सो लोगों को हर एक चीज़ों के बारे में पता चला, फोक्स टेल्स जो कुछ थे उनको हर चीज़ के बारे में पता चला, ठीक है। अब जो बुक्स है वो लोग मतलब वाइडर सेक्शन तक जा सकते थे, ठीक है। जो लोगों को पढ़ना नहीं आता था वो सुन सकते थे, इन चीज़ों की वजह से लोगों को जो है मतलब लोगों के पास नॉलेज आ गई बिकॉज ऑफ बुक्स, ठीक है। लोगों को पता चलने लग गई चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है। जो प्रिंटर्स थे उन्होंने और ज़्यादा पॉपुलर बैलेट्स बनाने शुरू करे। सब बैलेट एक हिस्टोरिकल
अकाउंट होता है जिसमें फोक टेल और वो सारी पुरानी चीज़ें बताई होती हैं, ठीक है। सो ये बुक जो थी ये मतलब पिक्चर्स भी थी इसमें, जिसकी वजह से इलस्ट्रेट की जा रही थी उनसे, ठीक है। और लोग इकट्ठा हुआ करते थे और वहाँ पे लोग ये बुक पढ़ा करते थे ज़ोर ज़ोर से, जिनको पढ़ना नहीं आता था, ठीक है, विलेजेस के लिए। सो ये बुक्स की वजह से ऐसे लोगों के लाइफ में चेंजेस आ चुके थे, ठीक है। जब बुक्स आई तो ये जो ओरल और ये जो रीडिंग ओरल था कि हम पढ़ेंगे और तुम सुनोगे, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लोगों ने खुद पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखो, जब लोगों ने पढ़ना शुरू करा तो लोगों के पास नॉलेज भी आ गई थी, तो कुछ रिलीजियस डिबेट्स और कुछ फेयर ऑफ प्रिंट है जो हमें देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। जो प्रिंटेड प्रेस थे वो लोगों को डिफरेंटली परसुएट कर सकते थे, ठीक है। लोगों के एक्शन और लोगों की जो वे ऑफ लाइफ है उसमें चेंजेस आ गए थे इनके वजह से। मैं बिकॉज देखो, हर एक पर्सन का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। सभी ने प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं करा, काफ़ियों को डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इनके वजह से मतलब चेंजेस आ जाए, मतलब जैसे सर्कुलेशन हो रहा है तो लोगों के दिमाग में अब चीज़ें समझ आने लग गई थी लोगों को। वैसे ही 1517 में एक रिलीजियस फॉर्मर थे जिनका नाम था मार्टिन लूदर, उन्होंने 95 थीसिस लिखी, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो भी ये कैथोलिक चर्च में जो भी चीज़ें होती थी उनके खिलाफ उन्होंने क्रिटिसाइज करा, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मतलब प्रिंट बनाए, उन्होंने एक प्रिंट कॉपी करी और विटनबर्ग चर्च जो सबसे बड़ा चर्च था उसके दरवाजे में उन्होंने चिपका दी, और उन्होंने चैलेंज करा चर्च को कि उनके जो भी आइडियाज़ हैं उनको वो डिबेट करें, ठीक है। लूदर की जो भी लूदर ने चीज़ें लिखी थी वो काफ़ी सारे लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और जब लोगों ने इतने सारा लोगों ने पढ़ा और लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चला, तब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मतलब तब लोगों ने चर्च, बिकॉज उस टाइम पे चर्च का सबसे ज़्यादा डोमिनेशन था, चर्च वॉज द डोमिनेटिंग, मतलब रोम में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेशन है वो चर्च का ही था। बट फिर भी जो मार्टिन लूथर थे वो आए और उन्होंने चर्च के खिलाफ जो वो आवाज़ उठाई, ठीक है। उनका उन्होंने ना कुछ दो हमारे को ये दी थी स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि प्रिंटिंग जो है वो गॉड का अल्टीमेट गिफ्ट है और सबसे ग्रेटेस्ट है, ठीक है। काफ़ी सारे जो सेवरल स्कॉलर्स थे उन्होंने भी मतलब पढ़ना शुरू करा और रिफॉर्मेशन का आइडिया आ गया था, ठीक है। प्रिंट एंड डिसेंट, देखो प्रिंट और जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर था उसमें मतलब काफ़ी लोग थे जो इन चीज़ों को नहीं मान रहे थे, कुछ लोगों का मानना था कि ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। 16th सेंचुरी में मेनोकियो जो कि एक मिलर थे इटली के, उन्होंने ये बुक्स पढ़ना शुरू करी अपने लोकेलिटी में, ठीक है। और उन्होंने बाइबल को अपने ही तरीके से लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने एक अपना अपना जो उनको लगता था कि भगवान ऐसे होंगे उन्होंने खुद ही वो बना दिया, और जिसकी वजह से जो भी कैथोलिक चर्च है उनको लगा कि ये क्या मतलब कुछ भी जो तुम्हारे मन करे वो। चर्च में काफ़ी बार उनको ट्रायल्स के लिए बुलाया गया इसमें, ठीक है, मतलब उनको इंक्विशन के लिए बुलाया गया। जो रोमन कैथोलिक कोर्ट है वहाँ पे उनको बुलाया गया, ठीक है। फिर बट बाद में उनको एग्जीक्यूट ही कर दिया बिकॉज वो मान तो रहे नहीं थे, दो बार उनको बुलाया गया फिर भी क्या कर सकते, ठीक है। रोमन जो चर्च है वो ऐसी मतलब रोमन चर्च को अब टेंशन हो रही थी कि ऐसी वजह से और ज़्यादा लोग आएंगे, उन्होंने एक अब बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक बनाया 1558 में, जिसमें लिस्ट थी कुछ बुक्स की जो बुक्स नॉर्मल लोगों को नहीं पढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में मतलब चर्च को लेके गलत भावना ना आ जाए। द रीडिंग मेनिया मतलब कुछ ऐसे लोग जो मतलब पागल हो गए थे उस टाइम पे लोग पढ़ने के लिए। 17th और 18th सेंचुरी की जो लिटरेसी थी ना वो यूरोप के लगभग हर एक पार्ट में पहुंच गई। चर्च जो थे उनकी अलग डोमिनेशन थी, उन्होंने ना विलेजेस में स्कूल्स बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे और जो आर्टिसंस थे, ठीक है, उनके बच्चे भी पढ़ सक रहे थे और उनको भी पता चल रही थी चीज़ें, ठीक है। और इस टाइम पे यूरोप की जो लिटरेसी लेट थी वो मतलब 18th सेंचुरी के एंड आते आते जो यूरोप की लिटरेसी रेट थी 60% वो 60 से बढ़ के 80% तक होगी, विच वॉज अ ग्रेट लाइक बहुत बड़ा ये अमाउंट था, ठीक है। और ज़्यादा लिटरेचर आने लगा, जो बुक सेलर्स थे जो पैदल घूमते रहते थे रोम में वो भी मतलब उन्होंने लिटिल बुक्स बनानी शुरू कर दी, पॉकेट बुक्स, मतलब सबसे पहले तो एल्मेनैक आता है
सो एल्मनैक बेसिकली एक रिचुअल कैलेंडर था जिसमें सब कुछ छुट्टी वगैरह को जो जो भी है मतलब जो भी आ रहा है फंक्शन वगैरह वो सब कुछ उसमें होता था, ठीक है। और उस टाइम पे चैप बुक्स बनानी शुरू कर दी जो कि मतलब पॉकेट बुक हुआ करती थी। तो वो ऐसा था कि लोग जहाँ भी खोलना है वो खोला, बंद करा और बुक में डाल के जेब में डाल दी उनको। और फिर बोलो ठीक बुक ब्लू वो भी कुछ ऐसी मतलब लो प्राइस स्मॉल बुक की हुआ करती थी, ठीक है। और इनकी कागज़ की क्वालिटी भी इतनी अच्छी जो है वो नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। नए नए न्यूज़पेपर जर्नल्स थे वो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो बता रहे थे वॉर ट्रेड और मतलब और जगह पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है उनके बारे में लोगों को अब पता चलना शुरू हो गई थी, ठीक है। अब वो लोग जिनको साइंटिस्ट और फिलोसफीज के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वो भी मतलब अब कॉमन लोगों को इन बारे में पता चलना शुरू हो गया था। वैसे इनमें से एक बुक थी जिसमें इसेक न्यूटन के बारे में था, सो उनकी भी मतलब डिस्कवरी वगैरह, ठीक है। सो लोगों ने बहुत ही मतलब लार्ज नंबर पे वो बुक खरीदी और उसको पढ़ी थी, ठीक है। लोगों को इंटरेस्ट था, जो आइडियाज़ थे साइंस रीज़न रैशनैलिटी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लिटरेचर बन गया था उस टाइम पे, ठीक है। ट्रिम्बल देयरफॉर टेरेंस ऑफ द वर्ल्ड, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। देखो काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लग रहा था कि जो बुक्स है वो वर्ल्ड को चेंज कर रही हैं, ठीक है। उनका ये मानना था कि डास्पोटिज्म होना चाहिए, मतलब जो सोसाइटी है उसमें एक का ही राज होना चाहिए और जो टेरिनी है वही रहना चाहिए, मतलब टिरनी जो एक ऐसा राजा जो सभी जो अपनी प्रजा के साथ मतलब और उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको बहुत ही बुरा ट्रीट कर रहा है, ठीक है। वैसे लुईस सेबेस्टियन मार्क्यूएर थे जो कि एक नॉवलिस्ट थे 18th सेंचुरी के, उन्होंने बोला कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, ठीक है। और उनका ओपिनियन ये था कि अगर हमें डेस्पोटिज्म हटाना है तो यही जो है हमारे पास इकलौता रास्ता होगा। सो डेस्पोटिज्म बेसिकली एक वो गवर्नेंस होती है जहाँ पे पूरी पावर किसी एक इंडिविजुअल के पास होती है, ठीक है। ट्रिम्बल एक और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जिसमें बोलते हैं ट्रिम्बल देयरफॉर टेरेंस ऑफ द वर्ल्ड, ट्रिम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो टेरेंस है यानी कि जो जो राजा जो सभी पे मतलब बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस और बहुत ही ज़्यादा मतलब हिंसक होते हैं और किसी से भी मतलब बहुत ही बुरी तरीके से अपनी प्रजा को मतलब ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं इसको वो होगा तो ये होगा कि भगवान से तो डर कर ए राजे, डर डर भगवान से, डर भगवान का खौफ कर बेसिकली, ठीक है। यही ये बोल रहे थे कि ये जो भी है ये मतलब जो वर्चुअल राइटर है जिन्होंने सब कुछ लिखा है उनके हाथों जो है ये एक बार इनको सज़ा मिलेगी, सो डर होगी इनको, बेसिकली ऐसा बोल रहे थे। जब प्रिंट कल्चर और द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब प्रिंट कल्चर आया क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी बड़ी वॉर भी हो सकती है? इसके रीज़न है येस दे आर इंटरकनेक्टेड, बिकॉज देखो इसके काफ़ी सारी रीज़न है। फर्स्ट उस टाइम पे लोगों को एनलाइनमेंट थिंकर्स के आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गए। जो एनलाइनमेंट थिंकर्स ये वो लोग थे जिनको पता था क्या गलत है और क्या सही है। सो इनके आइडियाज़ जब बुक में पब्लिश होने लग गए और लोगों को पता चला कि ये चीज़ें होती है, तब लोगों ने इनके खिलाफ जाने बात कर दी, ठीक है। उन्होंने चर्च को अटैक करा, लोगों ने इन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने बोला कि ये चीज़ें गलत है, ठीक है। वैसे ही वोल्टेयर और रूसो ने जो भी बोला था उनकी भी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, ठीक है। सेकंड जो प्रिंट्स थे उसमें कल्चर के लिए डायलॉग्स और डिबेट्स थे, ठीक है। सो लोग जब उन सबको देख रहे थे उसमें इतनी सारी वैल्यू नॉर्म्स थी, उनमें सारी चीज़ें थी, लोग उसको देख के अपने आइडियाज़ और बिलीफ में लोगों को मतलब अब क्वेश्चन आने लग गया था कि ये जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। जो आउटपुट था लिटरेचर का उसकी वजह से मतलब पहले के टाइम पे ये जो था वो सिर्फ रॉयलिटी और मोरालिटी को क्रिटिसाइज करने लगा, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चनराइज करना शुरू कर दिया कि जो सोशल ऑर्डर है ये सही है कि नहीं है। काफ़ी कार्टून्स और काफ़ी कैरिकेचर्स मतलब आ गए जिसकी वजह से मोनार्की को जो कि डायरेक्ट ट्रिगर कर रहे थे और उन सब और पता चल रहा था कि हाँ अब लोगों को हर चीज़ के बारे में जो है वो नॉलेज होना शुरू आ गई थी, ठीक है। सो प्रिंट की वजह से काफ़ी सारी आइडिया जो है वो स्प्रेड हुए और लोगों को लिटरेचर के बारे में लिटरेचर के साथ साथ काफ़ी और चीज़ें भी पता चली, ठीक है। उनको डायरेक्टली उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हुए जो उन्होंने देखा और सुना, ठीक है। प्रिंट की वजह से डायरेक्टली उनके माइंड में नहीं डिफरेंट इफेक्ट पड़ा, काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव थे पहले के, ठीक है।
लोग अब अलग थी, अलग तरीके से लोग सोच पा रहे थे जब उनको नॉलेज आ रही थी, जब वो खुद पढ़ रहे थे, ठीक है। सब हम देख रहे थे 19th सेंचुरी में, उस टाइम पे वुमेन्स वर्कर्स और जो चिल्ड्रन थे उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा। देखो उस टाइम पे जो प्राइमरी एजुकेशन थी बच्चों के लिए, उसको कंपलसरी किया गया, कर दिया गया था, मतलब हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, ठीक है। बच्चे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो गई थी रीडर्स के, उनकी जो भी टेक्स्ट बुक्स थी बुक की उनमें मतलब बहुत ही ऐसी ऐसे टेल्स हुआ करते थे, जो भी फोक टेल्स, जो कि जैसे ओल्ड फेरी टेल्स हो गए, जो कि बच्चों को जो है वो मतलब पसंद आए, ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है। मतलब बच्चों को बेसिकली वो जो है ज़्यादातर वो करने, मतलब बच्चों को एक बहुत ही मतलब बच्चों के लिए डिफरेंट प्रेस बना दिया गया था, जिसमें से बच्चों के लिए ही लिटरेचर जो है वो बनाया जाता था, जो कि 1857 में फ्रेंच में सेटअप कर दिया गया था, ठीक है। फिर जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने और ज़्यादा फोक टेल्स गैदर करी पीजन से, और वो भी बच्चों की बुक में उन्होंने पब्लिश करनी शुरू करी, ठीक है। जो वुमेन्स थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स भी थी, ठीक है। मतलब उस टाइम पे जो भी मैगजीन्स थी वो बेसिकली टारगेट करती थी वुमेन्स को, और वुमेन्स ही बेसिकली ज़्यादातर जो है वो इन मैगजीन्स को देखती थी और उनको पढ़ती थी, ठीक है। काफ़ी बुक्स ऐसी भी थी जो कि बता रही थी कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए या हाउस पे कीपिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। वुमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रीडर्स थी, ठीक है। कुछ जो बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट थी वुमेन की, वो थी जैन ऑस्टेन, ब्रॉन्ट सिस्टर और जॉर्ज एलियट, ठीक है। लैंडिंग लाइब्रेरीज एक्सटेंशन, मतलब लैंडिंग लाइब्रेरीज बनना शुरू हो गई। लैंडिंग लाइब्रेरीज क्या होती है, जहाँ पर बेसिकली मतलब लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है, तो लोगों को बोला गया कि तुम उधार पे ले लो बुक्स और वापस में जो मतलब जब तुम पढ़ लोगे तब तुम वापस कर देना, ठीक है। उस टाइम पे ऐसी लाइब्रेरीज की वजह से जो भी वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे और जो भी मिडिल क्लास के लोग थे, वो सारे जो इन बुक्स को उन्होंने पढ़ना शुरू करा, ठीक है। अब लोगों को अपने बारे में, अपने सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट बच्चे लोग कर रहे थे, वर्कर्स कर रहे थे इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, ठीक है। और क्या क्या इनोवेशंस आई मिड 19th सेंचुरी में, रिचर्ड एम हो जो कि न्यूयॉर्क थे, उन्होंने एक बिल्कुल परफेक्ट पावर डिवन सिंडिकल प्रेस बनाया, जो कि एक बारी में मतलब एक घंटे में 800 शीट्स को प्रिंट कर सकता था, ठीक है। उसके बाद एक और प्रेस आया जिसमें एक बार सिक्स मतलब एक बारी में 6 कलर को प्रिंट किया जा सकता था, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस। उसके बाद मतलब क्वालिटी ऑफ प्लेट अच्छी हो गई, पेपर भी अच्छे क्वालिटी के हो गए, और जो फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स थे कलर की, वो भी जो है इंट्रोड्यूस की गई उस टाइम पे। जो प्रिंटर्स थे और जो पब्लिशर्स थे वो कॉन्टिन्यूसली नई स्ट्रेटजीज बना रहे थे अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे नई नई नॉवेल्स आ रही थी और लोगों को नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो उन्होंने उस टाइम पे डस्ट कवर बनानी शुरू कर दी या बुक जैकेट बनानी शुरू कर दी। जैसे हमने देखा होगा किसी किसी बुक्स में बहुत ही हार्ड कवर या बहुत ही मोटा कवर होता है वो, मतलब किसी किसी में, ठीक है, जो कि कॉस्टली बुक्स होती है, ठीक है। अब इंडिया में, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ पेंट, देखो मैनुस्क्रिप्ट जो थी ना वो प्रिंट से पहले ही इंडिया में आ चुका था। इंडिया बहुत ही रिच है और इंडिया में बहुत ही पुराना और ट्रेडिशन भी है, ठीक है, ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो लिखा जाता था, ठीक है। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन जब कि प्रिंट आई और मैन्युस्क्रिप्ट बिल्कुल ही ज़्यादा बंद हो गया, ऐसा नहीं है। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो एक्सपेंसिव थे, फ्रजाइल थे, ठीक है, उनको मतलब केयरफुली हैंडल करना पड़ता था, ठीक है, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको जो है मतलब रखना पड़ता था, ठीक है। एवरीडे लाइफ में मैनुस्क्रिप्ट जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं की जा रही थी, तो लोग जो है बुक्स को प्रेफर कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। अब प्रिंट्स इंडिया में आए, प्रिंट इंडिया में कौन लेकर आया, पोर्टुगीज मशीनरी लेकर आए गोवा में फर्स्ट टाइम मिड 16th सेंचुरी में, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारी बुक बनी, जैसे 1674 में 50 बुक बनी जो कि कोंकणी और कनाडा लैंग्वेजेस में थी, ठीक है। फिर 1579 में कोचीन में तमिल बुक बनी, 1713 में मलयालम बुक बनी, 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मशीनरीज ने 32 तमिल टेक्स्ट्स को प्रिंट करा था, ठीक है, जो कि ओल्ड वर्क्स में जो उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1780s में जो जेम्स अगस्टस हिकी है उन्होंने भी, उन्होंने एक एक मैगजीन बनाई, एक वीकली मैगजीन जिसका नाम था बंगाल गैजेट, ठीक है, जिसमें जो कि कमर्शियल पेपर था बट
मतलब कोई एक उसको मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करता था, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स थे जिसमें मतलब इम्पोर्ट सेल वो स्लेव्स मतलब सारी चीज़ें जो है इसमें ये कवर कर दिया करते थे, ठीक है। सो इंडियंस भी कम नहीं थे, इंडियंस ने भी एक नया न्यूज़पेपर बनाया और उसका भी नाम लिखा उन्होंने बंगाल गेजेट, जो कि गंगाधर भट्टाचार्य आगे उनको लेकर आए थे, ठीक है, जो कि राजा राम मोहन रॉय के काफ़ी क्लोज थे। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, देखो जो डिफरेंट ग्रुप्स थे ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कन्फ्लिक्ट कर रहे थे। लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा था कि ये जो बुक्स है इसमें मुस्लिम्स हो या हिंदू हो उस टाइप के दो ये डोमिनेटिंग जो है वो रिलीजन हुआ करते थे, ठीक है। सो कॉन्ट्रोवर्सीज बनी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के बीच में, ठीक है। कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स के बिल्कुल ही खराब बिल्कुल ही खिलाफ थे, और कुछ ऐसे थे कि जो अभी भी बोल रहे थे कि ये चीज़ जो है वो ठीक है, ठीक है। काफ़ी सारी ऑडियंस थी जो कि मतलब वहाँ पे प्रिंटेड आइडियाज़ भी थे। जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने संवाद कौमुदी बनाई, और जो उनके खिलाफ जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशनरी है उन्होंने समाचार चंद्रिका बनाई उनके ओपिनियंस को मतलब अपोज करने के लिए। सो यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं एक लड़ाई कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुकी थी, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम डायनेस्टीज है उनको बचाने के लिए उलामाज थे। उलामाज वो लोग होते जो कि मतलब स्कॉलर्स होते इस्लाम और शरिया के, ठीक है। उर्दू में भी जो होली स्क्रिप्चर्स है उनको ट्रांसलेट करा गया और लोगों को बताया गया लोगों को कि क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे कैसे होती है, और लोगों ने जो है वो बुक्स को पढ़ना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। हर एक बारी में हर एक लोगों को अब पता चल रहा था कि कैसे क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। और जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन इंडिया में आई, ठीक है, हिंदू भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके में जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट को लिख रहे थे। जो पहली प्रिंटेड एडिशन आई वो तुलसीदास ने बनाई थी रामचरितमानस 16वीं सेंचुरी में, जो कि कलकत्ता में आई थी, ठीक है। सो 1880s के बाद नवल किशोर प्रेस लखनऊ और श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे जो है वो सेटअप कर दी गई, जो कि वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में जो है वो बना रही थी, ठीक है। और ये जो इलिटरल मैन और वुमेन है ना वो भी पढ़ सक रहे थे वो, बिकॉज देवर इन नॉर्मल लैंग्वेज। अब पब्लिकेशन की न्यू फॉर्म ये थी कि राजा रवि वर्मा जैसे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पेंट का उन्होंने फोटोज़ को पेंट के थ्रू बनाना शुरू कर दिया। फिर जो वुड ब्लॉक्स थे वो भी मतलब क्या करते थे कि जो भी प्रेस थे ना वुड ब्लॉक्स के बाहर प्रेस वाले बैठ जाया करते थे सारे जो है मतलब प्रिंटिंग वगैरह जो भी चीप प्रिंट्स है ये सब कुछ जो है काफ़ी इजीली होने लग गया था उस टाइम पे। कैलेंडर्स बहुत ही इजीली जो है वो बाजार में आ गए थे और सारे लोग जो है काफ़ी इजीली इन सारे प्रिंट्स को खरीद सकते थे, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं ये उस टाइम पे घरों के वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए हेल्प की, घरों को उसे डेकोरेट किया जाता था, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ पे लोग काम किया करते थे जैसे कि उनके ऑफिस शॉप्स वहाँ पे भी लोग जो है इन चीज़ों से अब अपने घरों को और अपनी शॉप्स को डेकोरेट किया करते थे, ठीक है। 1870s आते आते उस टाइम पे कार्टून्स और जो कैरिकेचर्स थे वो भी बनने शुरू हो गए थे। न्यूज़पेपर और जर्नल में ये सारी चीज़ें जो उस टाइम पे देखने लग गई थी जो कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज में कमेंट करते थे, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे कैरिकेटर्स थे जो कि नेशनलिस्ट एज वेल एज जो उनके कार्टून्स हैं उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। वुमेन एंड प्रिंट, देखो जो प्रिंट थे वो वुमेन्स की ज़िंदगी को दिखाने लग गए थे उस टाइम पे। लिबरल हस्बैंड और जो फादर्स है उन्होंने भी अपनी मतलब वुमेन को घर पे ही वो लोग पढ़ा दिया करते थे। मतलब वुमेन्स को स्कूल जाना अभी भी अलाउड नहीं था विलेजेस में, सिटीज़ में और टाउन्स में कहीं कहीं जो है वुमेन्स वो उनको एजुकेट कर दिया जाता था, ठीक है। काफ़ी ऐसे बुक्स और जो जर्नल्स है वो सेटअप की गई जिसमें वो बता रहे थे कि वुमेन्स को एजुकेटेड क्यों होना चाहिए, ठीक है। हर एक फैमिली लिबरल नहीं थी, जो कंजर्वेटिव हिंदू थे वो उनको लग रहा था कि वुमेन्स को अगर पढ़ा दिया जाएगा तो उनके हस्बैंड की डेथ कर दी डेथ हो जाएगी और वो जो है विधवा हो जाएंगी। और काफ़ी मुस्लिम्स को ऐसा लगता था कि अगर उनको वो अगर वो वुमेन को पढ़ाएंगे तो जो वो जो उर्दू के रोमांसेस है वो उनके खिलाफ चले जाएंगे। सो हेयर रोमांसेस का मतलब है कल्चर ट्रेड, ठीक है। मतलब एक मिनट, यहाँ पे वर्ड रोमांसेस का मतलब है जो भी किसी भी चीज़ का कल्चर होता है, ठीक है, पुरानी जो बातें होती है जो ऑर्थोडॉक्स होता है ये उनको भूल जाएंगी लोगों का ये मानना था, तो वो लोगों को नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है। फिर
फिर फैमिली उनको सिर्फ अरेबिक कुरान ही पढ़ने दिया करती थी, उसके अलावा उनको ना कोई लैंग्वेज पढ़ाया जाता था ना ही उनको मतलब सिर्फ वो मुस्लिम लैंग्वेज यानी कि उर्दू ही पढ़ सकती थी। बट काफ़ी ऐसी वुमेन्स थी जिन्होंने छुप छुप के पढ़ा, जैसे ईस्ट बंगाल में वसुंधरा देवी थी जो कि काफ़ी यंग थी जब उनकी शादी हो गई थी, ठीक है, एक ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में। सो वो छुप छुप के अपने किचन में जो है वो पढ़ना उन्होंने सीखा, ठीक है, वैसी। और उन्होंने लिखी अमार जीवन, यानी कि ये बंगाल में है, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट विल बी माई लाइफ, ठीक है, जो उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऐसी और भी थी जैसे और बंगाली वुमेन थी जैसे कैलाश बासनी देवी, जिन्होंने एक बुक लिखी जो वुमेन के एक्सपीरियंस के बारे में वो बता रही थी कि वुमेन का जो एक्सपीरियंस है वो कितना खराब है, ठीक है, वुमेन्स को कितना खराब एक्सपीरियंस फेस करना पड़ रहा है। वैसे महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, ये जो हिंदू अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स है जैसे कि स्पेशली विडोज, उनको कितना बेकार तरीके से ट्रीट किया जाता है उनके बारे में ये बताती थी, ठीक है, ये बुक्स। वही जो उर्दू थे, तमिल, बंगाली और जो मराठी प्रिंट कल्चर थे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुए, और जो हिंदी हिंदी प्रिंटिंग है वो भी मतलब सीरियसली जो वो स्टार्ट हुई थी वो 1870s के बाद ही स्टार्ट हुई थी। पंजाब में भी ऐसे सिमिलर फोक लिटरेचर हमें देखने को मिलते हैं। सो जो राम चड्ढा है उन्होंने एक फास्ट सेलिंग बुक बनाई जिसमें जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार। सो उसमें वो बेसिकली बता रहे थे कि वुमेन एक मतलब एक ओबीडियंट वुमेन कैसे बन सकती है, एक ओबीडियंट अगर वुमेन एक पत्नी कैसे बन सकती है। सो ये सारी चीज़ें में उसमें दिखाई जाती थी। सो यहाँ पे हमारे पास ना एक फ़ोटो है, सो यहाँ पे देखोगे कि आप ऐसे किसी को गले से बांध के रखा है। सो हम ये पढ़ लेते हैं, जो आर्टिस्ट का विजन है वो ये बोल रहे कि इसकी वजह से जो फैमिली रिलेशन है वो बर्बाद हो रहा है, बिकॉज जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बाय हिज वाइफ, देखो जो उनके कंधों पे बैठी हुई है उनकी वाइफ, ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं लोग कि शादी के बाद ये क्या करें कि देखो अपने पति पति ने अपनी पत्नी को कंधे में बिठा के रखा है और अपनी मम्मी को मतलब अपनी जो मदर है उनको जानवरों की तरह जो है ड्रैग कर रहा है एक शंगल की मदद से, ठीक है। सो ये घोर कलयुग का ऐसे इन्होंने बनाया था कि घोर कलयुग आएगा मतलब दुनिया का एंड हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। सो प्रिंट एंड पुअर पीपल, देखो जब पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप होने शुरू हो गई थी तब हर एक पर्सन जो है वो पढ़ सकता था, ठीक है, क्योंकि अब बुक का एक बुक्स का एक्सेस जो है वो बढ़ चुका था, लोग उधार के लिए ले जाते थे बाद में उन्हें वापस कर दिया करते थे। लेकिन 19th सेंचुरी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो भी बुक्स में डिस्कस करना शुरू कर दिया गया, जैसे ज्योतिबाई फूले थी, फिर जिन्होंने गुलामगारी लिखी और उन्होंने बताया कि कैसे ट्रीट किया जाता है, और उन्होंने बताया कि कैसे ट्रीट किया जाता है जो भी ओल्ड का मतलब लो कास्ट के लोग होते हैं। वैसे B.R. अम्बेडकर महाराष्ट्र की, E.V. रामस्वामी नेकर मद्रास के जिनको पेरियार भी बोला जाता है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं वैसे ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, जैसे जो काशी बाबा थे कानपुर में जो कि मिल्क वर्कर थे, उन्होंने लिखा छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें वो जो लो कास्ट के लोग हैं और जो बिग कास्ट के लोग हैं अपर कास्ट के लोग हैं उनके बारे में जब वो बात करते थे, ठीक है। वैसे एक और कानपुर में वर्कर थे जिनका नाम था सुदर्शन चक्र, उन्होंने ठीक है 1935-1958 के अंदर उन्होंने लिखा, ठीक है, सच्ची कविताएं जिनको अगर कंप्राइज करके उन्होंने सच्ची कविताएं जो है बनाई। प्रिंट एंड सेंसरशिप, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो जब इंडिया अपनी चीज़ें पब्लिश करके दिखा रहा था, सो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को डर लग गया कि ये जो भी चीज़ें हैं ना जो ये दिखा रही हैं इसकी वजह से जो मोनोपोली है ना इंडिया की उसमें फ़र्क पड़ जाएगा, उसमें ये डायरेक्टली उसको जो है वो अटैक करेगा, ठीक है, हर डायरेक्शन, बिकॉज अब देखो अगर लोग जो है वो दिखा देंगे अखबारों में या मैगजीन्स में कि हम लोगों के साथ क्या ट्रीट किया जा रहा है तो ऑफकोर्स लोग उसके खिलाफ जाके जो है वो आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वैसे तो क्या किया गया 1830s के अंदर जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने सर्टेन रेगुलेशंस बना दिए जिसके अंदर जो प्रेस फ्रीडम है वो बंद कर दिया गया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मतलब जो न्यूज़पेपर थे वो ब्रिटिश रूल को ही सेलिब्रेट कर रहा था, ठीक है। थॉमस मेकली जो कि एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल है उन्होंने काफ़ी रूल्स बनाए इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है, एटीट्यूड फ्रीडम का एटीट्यूड जो था प्रेस के लिए वो बंद कर दिया गया, ठीक है। 1878 में एक और एक्ट आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसके अंदर जो भी
गवर्नमेंट थी वो ट्रैक रखती थी इन सारी न्यूज़पेपर के अंडर कि न्यूज़पेपर क्या क्या बना रहे हैं, और उनका मेन यही था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है वो और ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाए, ठीक है। जिसकी वजह से जो भी लोगों को अब यही दिख रहा था जो आ रहा था, ठीक है। और जब पंजाब रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने डिपोर्ट करा 1907 में, तो बाल गंगाधर तिलक ने एक ग्रेट सिंपथी लिखी अबाउट हिम इन केसरी, ठीक है। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। सो वी आर डन विथ क्लास 10th हिस्ट्री एंड नाउ वी गोना मूव अबाउट इन क्लास 11। सो यस, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।